माई लवलीज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो या गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड दैट वन इज मामा अर्थ बाय बाय ओपन पोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, मैंने खुद से परचेज किया है एंड आप लोगों की ही काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि दी प्लीज इस पर अपना रिव्यू शेयर कीजिए। एज यू ऑल नो कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूली लॉन्च हो या आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट होती है, मैं ट्राई करती हूँ कि उनको परचेज करके अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो बेसिकली देखा जाए तो इस प्रोडक्ट को लेके भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लाइक ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आज के टाइम में सबको है, लाइक ईटिंग हैबिट्स, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो स्ट्रेस है, जो हम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा, इसी की वजह से हमारे फेस पे काफी ज्यादा ओपन पोर्स होने लगे हैं। ओपन पोर्स ना सिर्फ आपकी इंटरनल हैबिट्स की वजह से होते हैं, बल्कि जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपकी हैबिट्स है, उस पर भी आपके पोर्स काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। इस प्रोडक्ट को गाइस मैं लास्ट 15 से 20 डेज से यूज कर रही हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम दोनों टाइम मैंने यूज किया है। सो मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू। या पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं एंड बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो या दिस इज द आउटर बॉक्स पैकेजिंग, दिस इज मामा अर्थ बाय बाय ओपन पोर्स फेस क्रीम, जो कि आती है रोजीप एंड नायासिनेमाइड के साथ। तो बेसिकली इसके चार इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। फर्स्ट वन इज रोजीप, वी ऑल नो कि बहुत अच्छे लेवल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए होता है जो हमारी स्किन पे लाइक टाइटनिंग का काम करता है, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, फेस पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आता है। एंड जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज नायासिनेमाइड, ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है एंड सबसे बड़ी बात है आपकी स्किन को इवन बनाने का काम करता है, ग्लो लेके आता है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, तो ये इंग्रेडिएंट उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। एंड जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज ब्लू लोटस एक्सट्रैक्ट, ये एक सूदिंग इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली आपकी स्किन को सूदनेस प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। मतलब ब्लू लोटस एक्सट्रैक्ट ऐसा इंग्रेडिएंट है कि इसको हर एक स्किन टाइप यूज कर सकती है। ये आपकी स्किन में ऑयल का बैलेंस बना के रखता है और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उनको भी फाइट करता है। तो अगर एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स है, तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हर एक चीज में आपको बेनिफिट देगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज लेंटिल, जिसको आप मसूर दाल के नाम से भी जानते हो, इसको आपने अपने DIY में, अपने एक्सफोलिएशन में कहीं ना कहीं यूज किया होगा। एंड मसूर दाल इज माई फेवरेट इंग्रेडिएंट, लाइक जब भी आपको स्क्रबिंग या जब आपको फेस आपका लग रहा है डल है या कुछ भी है, तो जस्ट नॉर्मल अपने किचन से मसूर दाल ले लीजिए, उसको पाउडर बना के और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए दूध में या कर्ड में मिला के, लिटरली बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो इसके जो चार इंग्रेडिएंट है ना, दे आर अमेजिंग, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सो यस, प्राइस आपको पे करनी होगी 399 रुपीज, क्वांटिटी आपको मिलती है 30 ग्राम। एंड यस, मामाअर्थ के जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं पैराबेन सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। और आपको मिलती है कुछ इस तरह की प्यारी सी बॉटल, सो ये आपको पंप होल्डर के साथ मिलती है। एंड बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की गाइस, तो इसकी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा सुपर्ब है, यू कैन सी बहुत क्रीमी सा जेल टेक्सचर है और बहुत जल्दी से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड ट्रस्ट में, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन पे आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, बहुत लाइट लगता है। यू कैन सी मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सिंक इन हो गई है एंड बहुत अच्छे सा ग्लो प्रोवाइड करती है स्किन पे। सबसे अच्छी बात की बहुत लंबे टाइम तक आपकी स्किन को हाइड्रेट बना के रखती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड अभी बात करते हैं ओपन पोर्स पे ये किस तरह से काम करती है। तो जो इंग्रेडिएंट है इतने ज्यादा अमेजिंग है कि लिटरली आपके ओपन पोर्स पे ये वर्क करते हैं। जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे, वैसे वैसे आपको फील होगा कि आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज होने लगे हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी 10 से 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एज सच बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मैंने इसको यूज किया था ना, तो मेरी स्किन का जो टेक्सचर है उसमें मुझे फर्क नजर आया था। लिटरली एक तो ये हाइड्रेशन बहुत अच्छे से देता है आपको, फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, इवन बनाता है स्किन को एंड ग्लो लेके आता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन है ना काफी ज्यादा फाइन लगती है, आपको खुद को फील होता है कि यस हम कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यस लिटरली मैं 15 से 20 डेज से यूज कर रही हूँ ना, लिटरली मुझे अपने पोर्स में फर्क नजर आया है। सच मेरे बहुत लार्ज पोर्स नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ है कि यस जितने भी है ना थोड़े बहुत यहाँ पे, उनमें मुझे बहुत अच्छा सा टेक्सचर नजर आया है। जब भी मैं यहाँ पे फील करती हूँ ना, तो मुझे वो जो एक होता है ना, जब भी आप हाथ लगाते हो तो एक अलग सा टेक्सचर आपको नजर आता है, वैसा नहीं आया है। यस अगर आपको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बॉटल से आपका काम होगा, इसको आपको कम से कम 1 से 2 महीना यूज करना पड़ेगा, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम यूज करना पड़ेगा। ये आपको एज ए मॉइस्चराइजर ही वर्क करेगा, आपको इसके लिए आपको कोई भी अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की नीड नहीं है, जस्ट नॉर्मल आप इसको अप्लाई कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो वन मोर टिप, हमेशा अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है। टोनर के बेसिकली क्या करता है, आपके पोर्स को क्लॉग करता है, क्योंकि जब भी आप फेस वॉश करते हो ना, आपके पोर्स
कि जो गंदगी है ना वो फेस वॉश के थ्रू बाहर निकलती है। जब भी आप पानी लगाते हो अपने फेस पे फेस वॉश करने के लिए तो आपके पोर्स है ना वो खुल जाते हैं, तो उनको क्लॉग करने के लिए एक टोनर बहुत अच्छा काम करता है। तो हमेशा टोनर अप्लाई करो एंड देन उसके बाद आप ये यूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप ढूंढ रहे हो जिसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, स्किन को हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज रखे, तो यू कैन गो फॉर दिस। यस, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पेशेंटली आपको इसको यूज करना पड़ेगा, बट यस ये रिजल्ट देगा आपको, आई एम डैम श्योर। सो यस, लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद मामा अर्थ बाय बाय ओपन पोर्स फेस क्रीम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।